वाटर डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वाटर ट्रीटमेंट साइकिल के बारे में बात की थी। वाटर ट्रीटमेंट साइकिल जो है ओवरऑल वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होता है, और इसके इनिशियल जो दो स्टेजेस थी उनमें एयरेशन था जिसमें हम एयर पास ऑन कराते हैं पानी के अंदर से, और फिर सेकेंडली कोएगुलेशन था जिसके अंदर हम कोई कोएगुलेंट ऐड करते हैं जो प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है। एयरेशन से हमने देखा था कि फाउल स्मेलिंग गैसेस लाइक H2S आप इनसे निजात पा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देंगे, और आप फेरस को फेरिक में भी चेंज कर सकते हो यूजिंग ऑक्सीडेशन। कोएगुलेशन के अंदर आपने देखा था कि आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या इस जैसा कोई और जेलेटिनस कंपाउंड बन जाता है। जेलेटिनस मैंने आपको बताया था इट इज़ जेली लाइक कंपाउंड। इससे क्या होता है कि सारे पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो इसको घेर लेते हैं एक तरह से, और प्रेसिपिटेशन हो जाती है और प्रेसिपिटेट्स नीचे जाके बैठ जाते हैं और वो पार्टिकल सबके सब रिमूव हो जाते हैं। वाटर ट्रीटमेंट साइकिल में जो मेजर पार्ट है वो है क्लोरीनेशन, और ये क्लोरीनेशन का जो पार्ट है जिसमें हम क्लोरीन ऐड करते हैं वाटर के अंदर, ये ह्यूमन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक जो आपने ऊपर प्रोसेसेस देखे मसलन एयरेशन, इसमें हमने जर्म्स की कहीं पे भी बात नहीं की थी। पानी के अंदर जो जर्म्स होते हैं, देखो फॉल स्मेलिंग गैसेस ये तो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, अगेन आपने जर्म्स की कहीं बात नहीं की। इसके अलावा आपने कोएगुलेशन में ये कहा कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, बट क्या जर्म्स जो हैं या जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं, पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरसेस, बैक्टीरिया जिसमें मैंने पहले बोला, इसके अलावा फंगाई, प्रोटोजोआस एंड सिमिलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तमाम के तमाम पैथोजेंस के अंदर फॉल करते हैं। पैथोजेंस बेसिकली आप कह सकते हो दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीजेस कॉज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले कहा, क्या ये पैथोजेंस जो हैं ये एयरेशन से और कोएगुलेशन से ख़त्म हो जाएंगे? सिंपली नो, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, या ये जो हमने कंपाउंड बीच में ऐड किए ये उन जर्म्स को किल नहीं करते। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसको बोला जाता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन एग्जैक्टली क्या चीज़ है? इट इज़ एडिशन ऑफ क्लोरीन। नाउ व्हाई डू वी ऐड क्लोरीन? क्योंकि क्लोरीन जो है जब वाटर के अंदर ऐड किया जाता है Cl2 plus H2O, it makes an intermediate compound HOCl and it also makes HCl. The second one is very well known, hydrochloric acid. जो पहला वाला है ये भी probably आपने सुना होगा इसके बारे में, this is called hypochlorous acid, and जो इसके अंदर OCl है basically हम इसको hypochlorite ion बोलते हैं, this is हाइपोक्लोराइट आइन। जिस तरह Cl- को हम क्लोराइड बोलते हैं सिंपली, इसको हम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। अब हाइपोक्लोराइट और हाइपोक्लोरिक एसिड की कुछ एक्चुअली हाइपोक्लोरस एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें सबसे मेजर जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आपके पास कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मैं एग्जैक्टली सब एक से तो नहीं होते, बट लेट्स सपोज दिस इज सम काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ये आउटर सरफेस होती है इसको क्या बोलते हैं, जो आप में बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट बी नोइंग दिस, इसको हम बोलते हैं दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। जो हाइपोक्लोरस एसिड है इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये सेल मेम्ब्रेन को चीरता हुआ कंपाउंड के अंदर चला जाता है, ठीक है, और एक तरह से ये जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको ये किल कर देगा, इसको मार देगा, ठीक है। सो हाइपोक्लोरस एसिड इटसेल्फ इट बिहेव्स एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट, और ये वजह है कि हम कहते हैं डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन इज पॉसिबल। डिसइंफेक्शन का मतलब है जो इन्फेक्शन कॉज करना था इसने, उसको आपने रिमूव कर दिया इस पॉसिबिलिटी को, ठीक हो गया। ये एक फिगर है, ये इसी फिनोमिना को हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पे देखो HOCl, दिस इज योर हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, एंड OCl जिसका मैंने ऊपर आपको कहा था OCl इज सिंपली हाइपोक्लोराइट। अब OCl के बारे में लिखा हुआ है, ये देखो ये एक एरो आ रहा है, I'll highlight it in red, ये एक एरो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ऊपर लिखा है cannot penetrate, यानी ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते सिंपल OCl जो हैं। अलबत्ता HOCl जो है यू कैन सी कि ये पूरा अंदर चला गया और ये जो बाहर आपको नजर आ रही है बाउंड्री, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एवरी लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ठीक है, और इन सेल्स की एक बाउंड्री होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल्स एंड सेल मेम्ब्रेन्स दोनों पॉसिबल होती हैं। ऑल्दो आई एम नॉट दैट गुड इन बायो, क्योंकि मैंने बायो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट स्टिल आई रिमेंबर फ्रॉम माई नॉट हाई स्कूल, जो जूनियर स्कूल था उससे, कि एक सेल होता है जिसकी एक सेल मेम्ब्रेन होती है। एंड हाइपोक्लोरस एसिड की एबिलिटी है कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है और वहाँ पे जाके डिजेनरेशन कॉज करेगा एंड इनफैक्ट उसको किल कर देगा बैक्टीरिया या वायरस या जो भी लिविंग बीइंग है। सो दिस इज हाउ क्लोरीन के थ्रू डिसइंफेक्शन इज पॉसिबल। बट इस डिसइंफेक्शन के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। डिसइंफेक्शन इज पॉसिबल अगर आप क्लोरीन पानी के अंदर ऐड कर दो, तो इट इज पॉसिबल कि आप उसके अंदर से बैक्टीरिया और जो मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं वो आप खत्म कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि जो Cl2 है इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर। अब क्लोरीन जो है इट इज नॉर्मली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गैस, Cl2 इज अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ गैस। पहला बात आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई एक सिलेंडर लेना पड़ेगा। ठीक है, सिलेंडर के अंदर आपको क्लोरीन गैस करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। इस सिलेंडर को आपने प्रेशराइज करके रखना है। ठीक है, यानी इसके स्टोरेज के इश्यूज हैं, डिफिकल्ट टू स्टोर, यानी स्टोरेज कंसर्न्स आर देयर जब आप क्लोरीन पानी में डालने की बात करते हो। तो पहली बात आपको क्लोरीन कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। एक और चीज कि अगर आप HOCl डायरेक्ट ही कहीं पे स्टोर कर दो तो इससे क्या है, HOCl इज इटसेल्फ अनस्टेबल कंपाउंड। तो होता यह है कि चूंकि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप HOCl जो है वो कहीं पे खुद स्टोर करा दो, ये फौरन जो है ब्रेक होके कोई और कंपाउंड्स के अंदर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा देयर आर अदर कंसर्न्स आल्सो। इन ऊपर वाले दो कंसर्न्स का मैं आपको साथ ही सोल्यूशन भी बता देता हूं। लेट्स फर्स्ट राइट देयर सोल्यूशन, हम साथ साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इस मसले का हल क्या है। ये जो ऊपर वाले दो प्रॉब्लम्स हैं इनका हल ये है कि आप सोडियम हाइपोक्लोराइट विच इज NaOCl या आप कैल्शियम हाइपोक्लोराइट विच इज CaOCl होल ट्वाइस, आप ये वाले दो कंपाउंड्स जो हैं इनको लो और ये जो हैं ये सॉल्ट्स हैं बेसिकली। इन दो सॉल्ट्स को आप स्टोर करा सकते हो इजीली और इन सॉल्ट्स को जब आप पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो तो ये डेफिनेटली NaOH एंड HOCl प्रोड्यूस कर देते हैं। तो आपके पास हाइपोक्लोरस एसिड रीजनरेट हो जाता है। ठीक हो गया, तो ऊपर वाले दो प्रॉब्लम्स का हल तो है कि आप NaOCl और CaOCl2 होल्ड बना दो, यानी सोडियम एंड कैल्शियम के रिस्पेक्टिव हाइपोक्लोराइट्स, और इनके थ्रू आप फिर बाद में डीजेनरेट करवा लो हाइपोक्लोरस एसिड। एक और मेजर प्रॉब्लम ये है जब आप क्लोरीन के थ्रू डिसइंफेक्शन कराते हो, इस ओवरऑल प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है। पानी के अंदर देयर आर सम डिसॉल्व्ड गैसेस, मसलन H2S गैस। हमने बात की थी कि हम H2S को कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम H2S को एयरेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। बट देयर आर स्टिल सम गैसेस, फॉर एग्जांपल अमोनिया, विच रिमेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, और वो एयरेशन से भी रिमूव नहीं हो पाती। अब अमोनिया पानी के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है और आपने बीच में क्या डाल दिया, HOCl। इस HOCl डालने का मकसद कुछ और था, इसका मकसद था पैथोजेंस को किल करना, लेकिन चूंकि पानी के अंदर अमोनिया भी प्रेजेंट है तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाएगा। अब आपको पता है अमोनिया का स्ट्रक्चर इज नाइट्रोजन विद 3 हाइड्रोजन्स अटैच्ड ऑन 3 एंड्स। ठीक है, अब होता यह है कि व्हेन HOCl कम्स तो इट गिव्स अवे इट्स क्लोरीन। ठीक है, HOCl अपना क्लोरीन जो होता है इट गिव्स अवे और यहां से एक H रिमूव कर देगा, ये यहां पे आके एक क्लोरीन लग जाएगा और वो जो H है वो इस OH के साथ मिलके H2O बना देगा। यहां पे आपके पास एक H2O प्रोड्यूस हो जाएगा और Cl आके यहां पे लग जाएगा। सो सच अ प्रोडक्ट इज देन कॉल्ड cloramine. I repeat, cloramine. क्लोर फॉर क्लोराइड, यानी क्लोराइड अटैच हो गया, अमीन फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया ग्रुप के ऊपर एक क्लोरीन आके अटैच हो गया. अगर अब एक और दफा HOCl इसके करीब आ जाए तो HOCl एक्चुअली हो ये रहा है कि OH इज कंप्लीटली नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव यहां से अलग हो रहा है, ठीक है. Cl पॉजिटिव इज बिहेविंग एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, एंड दिस नाइट्रोजन अटैक्स दिस इलेक्ट्रोफाइल. यहां से एक H यहां से रिमूव हो जाएगा, अगेन यहाँ पे आके एक Cl अटैच हो जाएगा और ये OH के साथ एक H मिलके एक दूसरा H2O का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर देगा. एंड सिमिलरली आप एक तीसरा H भी रिमूव करा के यहाँ पे भी आप Cl लगा दो और एक तीसरा HOH भी प्रोड्यूस हो जाएगा. सो ओवरऑल देर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लोरामीन्स. इट्स आइदर N के दो तरफ H लगा हुआ हो और एक तरफ आके Cl लग जाए, या N के एक तरफ H लगाओ दो तरफ आके Cl लग जाए, या एन के तीनों तरफ आके क्लोरीन आके अटैच हो जाए, ठीक है. ये जो तीसरा प्रोडक्ट है दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड. अब इन प्रोडक्ट्स का नुकसान क्या है, स्पेशली जो लास्ट वन है, इससे होता यह है कि अगर ये पानी के अंदर प्रेजेंट है ना तो आपको आइज जो होती हैं उनके अंदर इरिटेशन फील होती है. एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब स्विमिंग वगैरह में करता था, बल्कि अभी भी करता हूँ, तो व्हेनेवर आई गो फॉर स्विमिंग, ऐसा पानी जिसके अंदर क्लोरीनेशन हुई भी होती है, क्लोरीनेशन आपको खुद ही पता चल जाता है नॉर्मली जब पानी का कलर बहुत ज़्यादा ग्रीन हुआ हुआ होता है या कलर आपको चेंज हुआ हुआ नजर आता है पानी का, तो नॉर्मली उस वक्त क्लोरीनेशन हुई भी होती है. सॉरी, इसकी स्पेलिंग मैंने बिल्कुल ही गलत लिख दी है क्लोरीनेशन के. लेट मी री राइट क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन. ऑलराइट, सो जब क्लोरीनेटेड पानी होता है उसमें इशू ये होता है कि आपको आंखों पे बहुत चुभ रहा होता है वो पानी, ठीक है, और उसकी रीजन मैंने अभी आपको बता दी, क्योंकि पानी के अंदर कुछ अमीन कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्लोरीनेट हो जाते हैं, ठीक है. इसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पानी के अंदर अगर फिनोल प्रेजेंट है, फिनोल कहते हैं बेंजीन, C6H6 के साथ आप एक H हटा दो, वहाँ पे आप OH लगा दो, ये कंपाउंड जो है दिस इज फिनोल. ये आप चैप्टर नंबर गालिबन 11 के अंदर अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, ये पूरा चैप्टर एक पढ़ चुके हो फिनोल्स के बारे में. अब फिनोल के अंदर जब आप HOCl ऐड करते हो तो बेसिकली फिनोल की क्लोरीनेशन हो जाती है, ठीक है, और आपके पास जो ओवरऑल प्रोडक्ट बनता है इट इज समथिंग लाइक दिस, आइदर OCl और इट वुड हैव सिंपली Cl अटैच टू इट. अब ये जो आपके पास कंपाउंड बन रहा है ये अगेन बहुत ही डेंजरस है, ठीक है. ये तो जिस तरह उसके बारे में तो ये था ना कि इट इज एन आई इरिटेंट, ये जो अमीन्स बन रहे थे क्लोरामीन्स के बारे में मैंने आपको कहा था कि दे इरिटेट आईज, आपकी आंखों पे चुभते हैं. ये जो कंपाउंड्स हैं ये तो उससे भी ज्यादा डेंजरस हैं. इनका ये नुकसान है कि एक तो इनकी स्मेल गंदी होती है, ठीक है, आपको लगेगा कि पानी के अंदर से बदबू आ रही है. इसके अलावा टेस्ट पानी का बहुत अजीब हो जाता है, क्योंकि आपके मुंह के अंदर पानी अगर जा रहा होगा तो अगर वो पीने का पानी है तो आपको बहुत उसका टेस्ट गंदा नजर आएगा, गंदा महसूस होगा. इसके अलावा दिस इज ऑल्सो टॉक्सिक, इससे आपको मुख्तलिफ बीमारियां भी कॉज हो सकती हैं, ठीक है. इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी ये है कि पानी के अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक स्पेशल कंपाउंड है ह्यूमिक एसिड. अब ह्यूमिक एसिड अगर पानी के अंदर प्रेजेंट है ऑलरेडी और उसके अंदर आपने HOCl डाल दिया प्लस ह्यूमिक एसिड या ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाएगा. और क्लोरोफॉर्म इज C, एक साइड पे H और तीन साइड पे Cl, ठीक है, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहते हैं. अब क्लोरोफॉर्म के अपने मसाइल हैं, ठीक है, इसकी वजह से रिप्रोडक्शन में, जो ह्यूमन बींग्स की रिप्रोडक्शन है उसमें अफेक्ट्स पड़ते हैं. इट्स अ सीरियस कार्सिनोजन, मतलब इसकी वजह से कैंसर कॉज हो सकता है, ठीक है, लिवर कैंसर पर्टिकुलरली. एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इनकी वजह से. सो एक तरफ तो ये कि क्लोरीन के बहुत सारे फायदे हैं या हाइपोक्लोरस एसिड के बहुत सारे फायदे हैं, हाइपोक्लोरस एसिड एंड क्लोरीन, इनसे आप क्या कर सकते हो, डिसइंफेक्शन कर सकते हो. दूसरी तरफ आज के लेक्चर में हमने ये कहा कि इनके बहुत सारे नुकसान भी हैं. फॉर एग्जांपल, आपको मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स कॉज हो सकते हैं, ठीक है, लिवर कैंसर हो सकता है, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, रेक्टल कैंसर हो सकता है, ये सारे इनकी वजह से होते हैं. इन सारे प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जो मोस्ट वायबल सोल्यूशन, सबसे एंड पे हम डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट वायबल सोल्यूशन क्या बनता है, क्या किया जाए। फिर पानी साफ भी हमने करना है और ये बीमारियां भी ना लगें, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा। हम ये करते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग डायरेक्ट क्लोरीन, हम क्लोरीन ऑक्साइड यूज करते हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 डालने से जो ऊपर मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए थे सारे वो रिजॉल्व हो जाते हैं एंड आप इजीली हाइपोक्लोरस एसिड की जगह और ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हो जो कि बैक्टीरिया और पैथोजेंस को किल कर देते हैं। ठीक हो गया। नाउ लेट्स हैव अ समरी ऑफ व्हाट वी हैव सीन सो फार। ये जो पूरा आपको एक फ्लो चार्ट नजर आ रहा है, दिस इज द कंप्लीट वाटर ट्रीटमेंट साइकिल। इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। इनिशियली मैं आपको थ्रू आउट इस पूरे का बताता हूँ। इनिशियली आप देखो ये एक वेल है जिससे इन फ्रॉम वेल्स, किसी एक कुएं के अंदर से पानी को इनिशियली मोटर्स के थ्रू निकाला जा रहा है। उसके बाद दिस एरो इज शोइंग कि इस वाले पानी को जो कि गंदा पानी होता है उसको आगे भेज दिया जाता है और ऊपर से हवा इसके अंदर से पास ऑन कराई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जो फाउल स्मेलिंग गैसेज हैं और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसके अंदर से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे से एक और चीज ऐड कर रहे हैं जिसको वो कह रहे हैं फ्लॉक्यूलेंट। फ्लॉक्यूलेंट इज बेसिकली जो जिस चीज को हमने कोएगुलेशन कहा था, कोएगुलेंट जो था दैट इज एक्चुअली ऑल्सो कॉल्ड फ्लॉक्यूलेंट। और कोएगुलेशन एंड फ्लॉक्यूलेंट दोनों का मतलब प्रेसिपिटेशन ही होता है। तो यहाँ पे आप कोई पोटैश, जिस तरह मैंने आपको बताया था पोटैश एलम वगैरह आप डाल सकते हो, या आप इसके अंदर फेरिक सॉल्ट्स डाल सकते हो, इस तरह की कोई आप चीज डालते हो ताकि प्रेसिपिटेट्स बने। उसके बाद आप देखो यहाँ पे अंदर डाल रहा है लाइम, पानी आगे आया एक कंटेनर के अंदर आ गया इस वाले के अंदर और यहाँ पे ये ऊपर से लाइम डाल रहा है। एंड लाइम इज व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम डालने के रीजन ये है, मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर क्लियर की थी बात, कि पानी हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, देयर आर क्लोराइड्स, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इनको रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो कि आप बीच में कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो। सो एक तरह से ही जो कंप्लीट वाटर ट्रीटमेंट साइकिल है, अगर आपने हार्ड वाटर भी निकाल लिया वेल के अंदर से तो ये उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद पानी थोड़ा सा आगे आया, ठीक है, यहां से नीचे ये जा रहा है पानी और यहां पर आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड हम पानी के अंदर डाल रहे हैं। अब ये मत समझो कि हम यहाँ पे कोई वो पेप्सी बनाने लगे आगे जाके। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको डालने का मकसद ये है कि ये पानी का जो पीएच लेवल है उसको कंट्रोल करे, ऐसा ना हो कि पानी बहुत ज्यादा अल्कलीन हो जाए, ठीक है। अल्कलीन पानी जो होता है वो डेंजरस होता है क्योंकि आपने पीछे कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह डाला है, उसकी वजह से क्या होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह फॉर्म होना शुरू हो जाएगा पानी के अंदर, तो पानी का जो पीएच लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा, यानी पानी बेसिक हो जाएगा। अब पानी को एसिडिक बनाने के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है पानी के साथ, कार्बोनिक एसिड। तो यहां पे आपके पास H2CO3 फॉर्म हो जाएगा, H2CO3। अब ये कार्बोनिक एसिड भी बन रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है, तो एक तरह से पीएच लेवल आप कंट्रोल कर रहे हो। ये आपने याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड पीएच लेवल को कंट्रोल करता है। आगे आ जाओ, पानी और आगे गया 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 गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे लगे हुए हैं फिल्टर्स। क्यों लगाने पड़ गए फिल्टर्स? डेफिनेटली आपने पीछे यहाँ पे जब कोगुलेंट्स डाले थे तो, और आपने जब हार्ड वाटर को सॉफ्ट में भी कन्वर्ट किया था तो ढेर सारी प्रेसिपिटेशन हुई होगी, नीचे बहुत सारी चीजें बैठ गई होंगी और वो सारा कुछ आगे आता जा रहा है इन पाइप्स के थ्रू। अब यहाँ पे आपने लगा दी जनाब फिल्टर्स। ये फिल्टर्स एक तो ये करेंगे कि उन प्रेसिपिटेट्स को रोक लेंगे, ठीक है। दूसरा इनका एक और काम ये होगा कि इवन कुछ प्रेसिपिटेट्स के अलावा भी देयर आर सम सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो कि फिल्ट्रेशन से रुक जाते हैं। मसलन छाननी आपने घर पे देखी है ना, जो फ्लोर या जो आटा होता है उसको छानने के लिए यूज करते हैं, वो बेसिकली एक फिल्टर के तौर पे बिहेव कर रही होती है। जब उसके अंदर होल्स होते हैं, जब उसके अंदर से पास ऑन करते हैं तो जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो रह जाते हैं और नीचे बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास आटा जो होता है वो नीचे गिर जाता है। ये फिल्टर्स भी बिल्कुल ये काम यहाँ पे कर रहे हैं। फिल्टर्स के बाद पानी थोड़ा आगे आया है, ये अब देखो काफी साफ सुथरा पानी अब तक हो चुका हुआ है। उसके अंदर आपने डाली क्लोरीन। इस क्लोरीन का काम क्या है, Cl2 प्लस H2O, ये आपके पास HOCl प्रोड्यूस करेगा, हाइपोक्लोरस एसिड, एंड दिस हाइपोक्लोरस एसिड would then be used to purify or to kill all the pathogens present। अगली स्टेज में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोराइड आप ऐड कर रहे हो। फ्लोराइड जो बहुत एडवांस्ड कंट्रीज हैं वो वाटर ट्रीटमेंट साइकिल के अंदर फ्लोराइड भी डालते हैं। फ्लोराइड इसलिए डाला जाता है, फ्लोराइड डालने को बेसिकली फ्लोरिनेशन कहते हैं। जैसे हम क्लोरिनेशन करते हैं, बाहर के मुल्कों में फ्लोरिनेशन भी होती है। फ्लोरिनेशन इस वजह से की जाती है कि कैविटीज जो होती है ना दांतों के अंदर जो कैविटीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, दांत खराब हो जाते हैं, वो फ्लोराइड की कमी की वजह से एक तरह से होते हैं। सो बाहर के मुल्कों में वो ये करते हैं कि जो घरों को पानी सप्लाई हो रहा है ना, उसमें ऑलरेडी वो खुद ही फ्लोराइड डाल देते हैं। फ्लोराइड कितना डालना चाहिए पानी के अंदर, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी रिसेंटली डिसाइड किया है वो ये है कि तकरीबन 1 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर के अंदर 1 मिलीग्राम, ये बहुत थोड़ी अमाउंट है। 1 लीटर का मतलब हो गया ये जो आप नॉर्मली 1 लीटर की बोतल लाते हो पानी की, उसके अंदर 1 मिलीग्राम यानी ग्राम का भी 1000वां हिस्सा, इतना आप अगर फ्लोराइड डाल दो तो जो बंदा वो पानी यूज करेगा या पिएगा या किसी भी और पर्पज के लिए यूज करेगा, उसको कभी भी दांतों की कैविटीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यूएस के अंदर, चाइना में, यूके में और जितने भी एडवांस्ड कंट्रीज हैं उन तमाम मुल्कों के अंदर अब ये सिस्टम है कि जितना भी घरों को पानी सप्लाई हो रहा है वो फ्लोरिनेटेड होता है ऑलरेडी। ठीक है, और ये इसलिए किया गया है ताकि लोग अगर फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट नहीं भी यूज करते तो उनको एटलीस्ट कैविटीज का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद पानी आगे आता है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको एक क्लियर वेल नजर आ रहा है। क्लियर वेल ये बहुत बड़ा एक कंटेनर टाइप चीज है। ठीक है, इस कंटेनर से फिर आप पानी को आगे फिर सप्लाई करते हो। ये मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स लगे हुए हैं और ये मुख्तलिफ घरों की तरफ ये पानी जा रहा है। ठीक है, इस पानी को पीने के लिए भी यूज किया जा सकता है। इट इज नाउ पोर्टेबल वाटर। इसको आप पी भी सकते हो, इसको आप हाउस होल्ड यूज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिस मर्जी पर्पज के लिए आप इसको इस्तेमाल करना चाहो इट इज नाउ पॉसिबल। इसकी कंप्लीट समरी में एक दफा फिर बता देता हूं। पानी को आपने वेल से निकाला, ठीक है, एयरेशन की गई उसकी ताकि फाउल स्मेलिंग गैसेस रिमूव की जाएं। फिर आपने फ्लॉक्यूलेंट या कोएगुलेंट उसके अंदर ऐड किया। फिर आपने उसके अंदर लाइम डाला ताकि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाए। फिर आपने कार्बन डाइऑक्साइड डाली ताकि उसका पीएच लेवल कंट्रोल किया जाए, ताकि वो बहुत ज़्यादा बेसिक ना हो जाए, इससे कार्बोनिक एसिड बेसिकली प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने फिल्टर्स लगाए, अगर कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं तो वो यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएं। फिर आपने क्लोरीन गैस पास ऑन कराई पैथोजेंस को किल करने के लिए, और फिर आपने फ्लोराइड डाला कैविटीज को अवॉइड करने के लिए, फ्लोरिनेशन की आपने पानी की, एंड उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरफ पानी को भेज दिया जो आगे मुख्तलिफ घरों में फिर पानी सप्लाई करता है। दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप टुडेज लेक्चर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव एज वेल। By this we come to the end of chapter number 16 and luckily यहाँ पे आपकी बुक का भी इख्तिताम हो जाता है। यहाँ पे आपकी किताब का इख्तिताम हो गया। It was a pleasure to prepare all these lectures. I'll recommend अगर आपने individually बीच में से lecture सुने हुए हैं तो आप completely start से end तक हर chapter के lectures सुनो। They are going to benefit you a lot from your exams point of view and from your learning overall. And I will recommend कि आप अपने friends को, colleagues को, मुख्तलिफ जगहों पर आप उनको suggest करो कि वो इन lecture से जितना benefit ले सकते हैं वो लें। Thank you very much and Allah Hafiz.